हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन विथ योर स्टडी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7 टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू एंड फॉर आवर प्रैक्टिस। नाउ इन दिस प्रोसेस आई विल सॉल्व अगेन एक्सरसाइज 13C। With the help of this video, you can solve each and every your doubts if you want. क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है, that is very important, कि आपका इसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होना। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो कहते हैं ना, गिरते हैं सा सवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो पहले ही गिर गया, मैदान में उतरने से पहले ही गेंदबाज को देख के बल्लेबाज डर गया, अरे बाबा इतनी तेज गेंद फेंकरा, मतलब नखल पक गए हैं लो। तो पहले डर गया और मैच हार गया। नहीं, डरना मना है, पढ़ना शुरू करिए। ओके, आ बोलते क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 13C एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सो दैट ट्राइंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्राइंगल एसीबीजी बाई। तो क्या दिया है, एंगल इन ट्राइंगल एबीसी, एक ही ट्राइंगल दिया है, कुछ है नहीं इसमें, एबीसी। तो एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल दिया है, तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक ही ट्राइंगल में सारा चीज दिया है। किताब वाले कोई क्वेश्चन मिला नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि या तो वह बहुत ही अपने को स्मार्ट रहा होगा या नंबर 2 का स्मार्ट रहा होगा। क्योंकि एक ही ट्राइंगल में, जब एक ही ट्राइंगल है तो कांग्रुएंट है ही क्या उसमें, लेकिन उसके पास कोई और क्वेश्चन ही नहीं रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो इन ट्राइंगल का रहा है कि टू प्रूव ए बी सी ए सी बी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी या एंगल सी इज इक्वल टू बी। अब इसमें ये भी कर दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कर दीजिए और ए बी ए सी इज इक्वल टू ए सी कर लीजिए, चाहे आप पे कर लीजिए, बी सी इज इक्वल टू ऐसे कर लीजिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यहां लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और बी सी इज इक्वल टू सी बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। भाई बी सी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी बाय एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट, मतलब एक ही ट्राइंगल है। तो जो बुक ने बुक बनाया, जिसने क्वेश्चन लिखा है, उसके पास क्वेश्चन रहा ही नहीं होगा कुछ, एक ही ट्राइंगल घुमा कर दिया। बीसी के इक्वल है तो सीबी के इक्वल होगा, बीसी सीबी के इक्वल होगा, कॉमन है, तो एंगल क्या है, जब बीसी के इक्वल है तो सीबी के इक्वल होगा, बस इस तरह लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सच दैट, पहले बना लें इसको, फिगर बना लें, देख लीजिए कुछ है नहीं बेटा, करते रहिए अच्छे से, देखते रहिए। पांचवा क्वेश्चन, एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, एबीसी और डीईएफ दिया हुआ है, डीईएफ ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है, 4 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एंगल एफ 60 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल ई 90 का दिया, यहां एंगल ए 30 डिग्री का, 90 का है, इसमें एंगल सी निकाल लें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 90,
यानी इस तरह कर लेंगे एंगल बी प्लस एंगल ए 180 माइनस 90 प्लस 30 यानी 180 माइनस 120 ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। एंगल सी क्या हो गया 60 डिग्री का निकल गया। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या पूछा है टू ट्राइंगल्स क्या इज ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ यस कैसे होगा और फिर उसमें पूछा है इफ सो स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स इज इट ट्रू ए बी इज इक्वल टू डी ई हम सब इकट्ठा करते रहे ए बी सी एंड डी ई एफ में एंगल ए देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ इज 60 डिग्री या सी 60 डिग्री का हमने निकाला है और एंगल डी यहां पे एंगल डी निकाल लेंगे बेटा ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम ऐसा करें इसको ना निकाल के एंगल डी निकाल लें तो हम एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है ठीक है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और बेटा ए सी इज इक्वल टू डी एफ देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ बाई एंगल एंगल साइड रूल एंगल एंगल साइड कर लीजिए या तो हम एंगल डी निकालते एंगल डी 30 डिग्री का निकलता एंगल साइड एंगल से प्रूव कर लेते हैं और एक ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के किसी भी दो एंगल और किसी एक साइड के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे फिर से क्योंकि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है तीसरा अपने आप इक्वल होगा तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आप अच्छे से सॉल्व करिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक कुछ और क्वेश्चंस करा लें इसमें आप सिक्स्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्या है इज अब पांचवें क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि इज इट ट्रू दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं ये अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे तो आप लिख देंगे यस बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी ई ठीक है। अब सिक्स का ए है इज ट्राइंगल जेड वाई एक्स चलिए पहले फिगर बना लें देखिए इस तरीके से फिगर बना हुआ है ये है फिगर पी क्यू जेड पी क्यू जेड और एक्स वाई ये है ये एंगल 110 डिग्री का है तो ये भी साइड 110 डिग्री का है नहीं दिया ये 45 डिग्री का दिया है ये 45 और ये 25 डिग्री का एंगल ठीक है और ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसमें निकाल लें इसको एंगल 1 कर लें तो एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 45 डिग्री के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और देखिए तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 प्लस एंगल 1 एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल पता चल जाए उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दें तो तीसरा एंगल निकल जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 प्लस 45 यानी 180 माइनस ये हो जाएगा 155 या इसमें से माइनस कर दें तो ये जाएगा 25 एंगल एक्स कितना हो गया 25 कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल क्यू पी जेड क्या हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू ई 25 डिग्री और एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू जेड इक्वल दिया हुआ है और क्या है बेटा एंगल क्यू जेड पी इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल है 45 डिग्री है देयरफोर
ट्राइंगल एक्स वाई जेड कांग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वाई जेड क्यू पी जेड, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा ऐसे ही एक्स जे उसमें जेड वाई एक्स दिया है, जेड पी क्यू दिया है, हम उसी को ले सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड करें चाहे जेड वाई एक्स करें। ध्यान रखिएगा उसमें जो दिया है जेड वाई एक्स जेड पी क्यू, तो हमने क्या किया एक्स वाई जेड क्यू पी जेड दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एस होगा पहला एस, ए क्या हो जाएगा यस, ठीक है। इफ एस राइट थ्री पेयर्स ऑफ, ये थ्री पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये हो जाएगा। और करा एक्स वाई क्यू पी इक्वल होगा तो सी वाला यस बाय सी पी सी टी एक्स वाई इक्वल टू क्यू पी, एक्स वाई जो होगा क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा जेड वाई एक्स और जेड पी वाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जेड वाई जेड पी देखिए एक्स वाई जो होगा क्यू पी के इक्वल होगा, एक्स जेड जो होगा क्यू जेड के इक्वल होगा, वाई जेड जो होगा पी जेड के इक्वल होगा। याद है कि एक्स वाई क्यू जेड के इक्वल, एक्स वाई क्यू एक्स वाई एक्स वाई जेड तो क्यू पी जेड क्यू पी जेड, तो एक्स वाई नहीं बल्कि एक्स जेड इक्वल है बेटा, एक्स जेड जो है क्यू जेड के इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा जो चीज दिया हुआ है। अब इसमें ये एंगल दिया हुआ था, इससे अब इस एंगल को निकाल लेंगे, ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल पता चल गए तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल दिया है, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाईसीपीसीटी एसी और पीक्यू इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, टाइम टेकिंग लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।